नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कहते हैं कि एक कलाकार की साधना तब तक सफलता को नहीं प्राप्त करती है जब तक उस कला के एक सच्चे सोनकर की तरीके से कोई व्यक्ति उसे उभारने का प्रयास नहीं करता है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पर्दे के पीछे वाला व्यक्ति जो कला को उभारने का काम करता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी का निर्माण करता है दर्शकों और कलाकार के बीच का। आज हमारे साथ बिंध, मध्य प्रदेश और देश के कई कलाकारों को एक नया आयाम देने वाले बघेल, बघेली, बघेलखंड, blogspot.com और साथ ही साथ बघेली साहित्यकार.com चलाने वाले आदरणीय श्रीवेन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। उनकी प्रेरणा, उनके कार्य और उनके कार्य का उद्देश्य क्या है, इन सारी चर्चाओं को लेकर के आज हम उनसे बातचीत करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। और आप सभी बिंदवासियों को मेरा उचित यथा प्रणाम, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद द खबरदार न्यूज टीम का, जिन्होंने बघेली के जो कलाकार हैं, जो साहित्यकार हैं, जो बघेली में काम कर रहे हैं, उन सब को समय समय पे लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हैं। मतलब बघेली के बूस्टिंग के लिए उनका भी बहुत सराहनीय योगदान है, इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और बघेली के लिए हमने आज के 2 साल पहले से काम शुरू किया। हमने देखा कि बघेली में लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग टेक्निकल जानकारी न होने की वजह से सही से काम नहीं कर पा रहे थे, तो कुछ लोग ऐसा था कि एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर रहे थे, एक करता था दूसरी उसकी टांग खींचता था। तो हमने सोचा कि अगर ऐसा किया जाए कि एक प्रॉपर वेबसाइट बना के सबकी हेल्प की जाए, तो हमने सबके हेल्प के लिए पहले एक वेबसाइट बनाई बघेल बघेली बघेलखंड blogspot.com के नाम से, जिसमें मैं डिजिटल कलाकार जो हैं, जो लोग यूट्यूब में काम करते हैं, चाहे वो संगीत के माध्यम से, कला के माध्यम से, उनका मैंने सपोर्ट किया और उनको एक लेवल तक लाया और उनमें आपस में भाईचारा हो, एक दूसरे की मदद करें, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हमने उन्हें समझाया और उनसे संबंधित जो और भी चीज़ें हैं वो भी उपलब्ध कराया। तो इसके बाद मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं सिर्फ डिजिटल कलाकारों को ही सपोर्ट करता हूं तो बघेली का वर्चस्व उतना आगे तक नहीं जा रहा। तो उसके लिए मैंने फिर बघेली के जो साहित्यकार हैं, जो कवि हैं, उनके लिए एक अलग से वेबसाइट लॉन्च करवाई बघेली साहित्यकार डॉट कॉम के नाम से। तो बघेली साहित्यकार डॉट कॉम पे मैं बघेलखंड के जो कवि हैं, साहित्यकार हैं, उनका जीवन परिचय, उनकी कविताएं, रचनाएं, लघु कथा, कहानी, हाइकू, जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ उनमें अपलोड करवाता हूं और उसको शेयरिंग करवा के बघेलखंड में दूसरे लोगों तक पहुंचवाता हूं ताकि दूसरे लोग उसको पढ़ें, जानें। प्लस इसके साथ ही साथ मैंने ना एक ऐसा बीज बोया जिस पे सभी लोग एकजुट होकर काम करें। लोग पहले क्या था कि लोग अपने सेल्फ के लिए काम करते थे, लेकिन एक ऐसा परंपरा चलाया गया कि एक चैनल वाला दूसरे चैनल वाले की मदद करेगा, एक दूसरे चैनल का कलाकार दूसरे चैनल में भी दिखेगा। तो इससे क्या हुआ कि थोड़ी सी बघेली को बूस्टिंग और मिले और लोगों के जो व्यू थे, व्यू बढ़ने लगे और लोगों को जो ऑडियंस थी, क्योंकि जो कलाकार है वो काम कर रहे हैं, जो साहित्यकार हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो इसका मेन मोटिव होता है वो ऑडियंस पे जाता है, वो जो थर्ड पर्सन होते हैं जो उसको देखते सुनते समझते हैं। तो जो हमारा टारगेट था, जो करने वाले हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो ऑडियंस है उन तक ये बात पहुँचे, उनको भी ये बात समझ में आए, क्योंकि उनका भी उतने ही दायित्व बनता है जो बघेली के अन्य बोलने वाले, बघेली सांस्कृतिक, बघेली परंपराओं को निर्वहन करने वाले लोग हैं, उनके भी उतने ही दायित्व बनता है कि हमारी बघेली संरक्षित हो और संवर्धित हो, विकास करे। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए हमने एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई और सबसे बड़ी बात ये कि मैं बघेली के लिए चाहता हूँ कि कोई एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म हो। अभी क्या है कि बघेली के लिए प्लेटफॉर्म जैसा चाहिए उस तरह का नहीं है, यूट्यूब है,
आज के समय में एक यूट्यूब ही ऐसा माध्यम है जिसमें फ्री में चैनल बनाओ, फ्री में आप अपनी कला और अपने हुनर को आप लोगों के सामने दिखा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि हम पे ये चीज़ का टैलेंट है, और लोग अगर उसे पसंद करते हैं तो आप रातों रात बूस्ट कर जाते हैं, रातों रात सुपरस्टार भी हो सकते हैं। कई बार ऐसे देखा गया है कि जिनको एक दिन पहले तक कोई नहीं जानता और उनको अगले दिन पूरी दुनिया जानती, जैसे अभी हाल में ही रानू मंडल का केस आया था, आप सबको पता ही है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। अब रही बात बघेली के लिए, हम जो मुख्य रूप से प्रयास कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि सब एकजुट होकर काम करें, सब एक दूसरे की मदद करें और ये बड़े लेवल पे काम करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि बघेलखंड के अंदर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर सब कुछ हैं, लेकिन है क्या कि ये लोग बाहर काम करते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ से वहाँ, मतलब बघेलखंड से बॉम्बे, बॉम्बे से बघेलखंड, ये कनेक्टेड हो। जो लोग आज बॉम्बे में काम कर रहे हैं वो कल बघेलखंड में काम करें, बघेली के लिए काम करें, और बघेलखंड में वो चीज़ें इजीली वो हो जाए, मिल जाएँ। अभी क्या है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है कोई भी एक्टिंग को लेके, तो वो चीज़ें मिल नहीं पाती, उसके लिए हमें या तो दिल्ली से मंगाना पड़ता है या तो बॉम्बे से मंगाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ें ना प्रॉपर मिले, प्रॉपर इसकी एक मार्केट तैयार हो और एक प्लेटफॉर्म तैयार हो। हालांकि हम लोग एक चैनल लॉन्च करने वाले थे जो कि सबके लिए हो, बट अभी यहाँ का जो रॉ मटेरियल है, रॉ डाटा है, वो इतना ज़्यादा नहीं है कि प्रॉपर चैनल बनाया जाए। अगर प्रॉपर चैनल बनाया गया तो उसका खर्चा नहीं मैनेज हो पाएगा। तो हम चाहते हैं कि अभी तो फ्री हाल ये यूट्यूब चैनल पे चले, लेकिन इसके बाद धीरे से ये बघेली वुड बने जिसमें फिल्में बने, एल्बम बने। और वो अभी क्या है कि कई चीज़ें ना नई आ गई हैं। पहले क्या होता था कि सिर्फ थिएटरों में, टाकीज़ों में ही फिल्में वगैरह चलती थी, लेकिन अब क्या है कि 5-6 प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे आ गए हैं, जैसे कि अमेजन प्राइम है, आल्ट बालाजी है, एक और छोटे लेवल में अगर जाएं तो उल्लू करके है। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म। हम चाहते हैं कि हमारी फिल्म डायरेक्ट PVR में चलाना इतनी आसान बात नहीं है, उनकी भी बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन है, लेकिन जो हमारी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं उनमें हम पहुंच सकते हैं, उनमें हम चला सकते हैं। तो इसके लिए भी हम कोशिश में लगे हुए हैं कि अपने बघेलखंड के ही लोग ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं और लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं। लेकिन जब थोड़ा सा यहाँ पे काम होने लगे, चीज़ें निकलने लगे तब। और कहीं ना कहीं हर कार्य के पीछे एक प्रेरणा जुड़ी हुई होती है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपका जन्म रीवा जिले के गुढ़ में हुआ और उसके बाद वर्तमान समय में आप दिल्ली में कार्यरत हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति अपने लिए ही समय सही तरीके से नहीं निकाल पाता है, और दिल्ली की बात करें तो ये दिल्ली एक मॉडर्न सिटी है। फिर उसके बाद आपको अपने बघेलखंड से जुड़ी हुई भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, इनके कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा कैसे मिली और कैसे ये काम शुरू हुआ, इस बारे में थोड़ा सा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रश्न वास्तव में सराहनीय है। जो दिल्ली है वो एक बहुत भागदौड़ की लाइफ का महानगर है, बहुत ज़्यादा भागदौड़ है, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ होती है आदमी की दृढ़ इच्छा शक्ति, प्रबल शक्ति और ममत। वास्तव में बात यही सही है कि हमारी भी लाइफ बहुत बिजी है, समय मिनटों का नहीं है, फिर भी हम समय निकालते हैं। समय हम ऐसे निकालते हैं कि हम अपना डे में ड्यूटी करते हैं, फैमिली के लिए समय देते हैं, प्लस रात में हम कई बार ना 10-11 बजे रात से लेके और सुबह 4-5 बजे सुबह तक कंटिन्यू बघेलखंड के लिए काम करते हैं, और उस दिन हम सोते भी कम हैं। तो इस तरह हम उसको मैनेज करते हैं, 5 बजे तक जगते रहते हैं, 5 बजे के बाद 2-3 घंटे सोए, फिर उसके बाद ऑफिस निकल जाते हैं। और आज आपके इस काम को लेकर के कई सारे लोग आपसे जुड़ चुके हैं, आपकी एक बड़ी टीम भी तैयार हो चुकी है जी। तो इन सारी चीज़ों को कई बार सही तरीके से करने में कई सारी समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ता होगा। आने वाली समस्याओं के बारे में और उनका समाधान आपकी टीम के द्वारा कैसे किया जाता है, इस चीज़ में थोड़ा सा बताएं। देखिए होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति अकेले बहुत सारी सफलता हासिल नहीं कर पाता इस तरह की चीज़ों में, तो उसके लिए होता क्या है कि टीम वर्क होना चाहिए। तो क्योंकि जब तक टीम नहीं होगी, वो कहावत भी है अपने बघेलखंड में कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो हमारे में
इसमें जो कुछ और लोग भी हैं, जैसे कि बिंद की आवाज़, नितिन द्विवेदी जी उसके संपादक हैं, तो वो भी सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ और अन्य लोग भी हैं, वो लोग भी सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह हमारी ना एक टीम है हमारा, जो कि न्यूज़ चैनल, कई न्यूज़ चैनल भी हैं इसमें जो कि सपोर्टेड है। तो इस तरह एक दूसरे की हम लोग, हमने यही कहा ना कि हम एक ऐसी परंपरा बनाना चाहते हैं कि लोग एक दूसरे की मदद करें, तो हमने वही परंपरा स्थापित की। इसके 6 महीने पहले भी मैं एक बार बघेलखंड का दौरा किया था, और जिसमें मैंने फिजिकली सबसे मिला था, यहाँ तक कि मैं लोगों के घर गया था और घर जा जा के मिला था। तो सबसे हमने यही कहा था, यही रिक्वेस्ट किया था कि आपस में मिल के और एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि हम जैसे ही आपस में मिल जाएंगे और एक दूसरे की मदद करना शुरू कर देंगे तो हमारा जो ये काम है ना बड़े लेवल पे दिखने लगेगा। और आज 6 महीने के बाद वही चीज़ हुई कि अब ये जो हमारा काम है बहुत बड़े लेवल पे दिख रहा है। और अब आपको सबसे बड़ी चीज़ हम बता दें कि अभी एक आंकड़ा आया है तो देखा गया है कि बघेलखंड में जितना बघेली बोली को लेकर काम हो रहा है इंटरनेट पर, उतना दूसरी बोलियों का नहीं हो रहा है। जिनकी बोलियां हमसे ज़्यादा अग्रसित हैं, सब कुछ है, उनमें भी उतना काम नहीं हो पा रहा है जितना बघेली में हो रहा है। बघेली का इसमें काफ़ी अच्छा काम हो रहा है और बहुत सारे लोगों का बहुत मेहनत करके बहुत सहयोग कर रहे हैं, और बड़े बड़े कार्यक्रम, महोत्सव, मतलब हर एक दो महीने में कोई ना कोई बड़ा कार्यक्रम, कोई ना कोई महोत्सव होता रहता है, और ये चलता रहेगा। अभी जनवरी में भी बिंद शिखर महोत्सव होने वाला है, तो मतलब ये लगातार चलता रहेगा, ये कंटिन्यू है, और जब तक हम लोग अपने मंजिल तक नहीं पहुंच जाते तो ये चलता ही रहेगा, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। ये कार्य काफ़ी तीव्र गति से चल रहा है, काफ़ी सफलता भी अर्जित की जा चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं सफलता सिर्फ एक मंजिल मात्र ना होकर के एक पथ का रिक्त स्थान होता है जहाँ पर थोड़ा सा विश्राम किया जा सकता है। ये अनवरत चलने वाली आपकी यात्रा है, तो इस कार्य को शुरू करने के पश्चात जो आपका एक पड़ाव है, जो मूल उद्देश्य है, वो कहाँ तक जाता है? हमारा जो मूल उद्देश्य है वो बघेली बुट तैयार करने का है। हम चाहते हैं कि देखिए, बघेली बुट से मतलब है कि छोटी से छोटी भी अगर फिल्म बनती है तो कम से कम ये आंकड़ा लगाया जाता है कि 100 लोगों को रोज़गार मिलता है, 100 लोगों को रोज़गार मिलता है जिसमें 50 तरह के लोग तैयार होते हैं। उनमें से कुछ एक्टर होते हैं जो एक्टिंग करते हैं, कुछ सिंगिंग करते हैं, कुछ डायरेक्शन करते हैं, प्लस कुछ इंटीरियर बनाते हैं, प्लस कुछ लोग उसमें स्टंट वगैरह का काम करते हैं। तो मतलब कई तरह की कलाएं होती हैं, कई तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब रोज़गार से भी है, हम अपने भाषा के साथ साथ अपने भाइयों के लिए रोज़गार के लिए भी अवसर पैदा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बघेली भी बढ़ेगी और हमारे यहाँ रोज़गार के भी साधन बढ़ेंगे, तो बहुत सारे चीज़ों का फायदा होगा। बघेली और बघेलखंड मध्य प्रदेश बिंध से जुड़े हुए कई मुद्दों की आपने बात बड़ी ही बेबाकी के साथ आपने सारी की सारे बातें कहीं। द खबरदार न्यूज़ को आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो आपका, जो आप समय समय पर लोगों के पास जाके उनका इंटरव्यू लेके उनकी आंतरिक जो पहलू हैं उनको लोगों तक पहुंचाते हैं, इसलिए हम आपके चैनल द खबरदार न्यूज़ का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। जय बिंद, जय बघेली। ये थे हमारे साथ श्रीवेंद्र त्रिपाठी जी। देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। नमस्कार, धन्यवाद। खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।